ये लड़कियों वाली बातें छोड़ के हम कुछ अकलमंदी की बातें कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम लड़कियों की तरह बाल ग्रो ड्राई करने या वेट कम करने के ऊपर बात कर ले। अल्लाह, हाथ से सब कुछ फिसल जाए और ना उम्मीदी का एहसास होने लगे तो सिचुएशन को अल्लाह पे छोड़ के बेफिक्र हो जाने से बेहतर कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम टीवी का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। दाऊद अली शामीर से कहता है, बेटा तुम्हें बहुत जल्द फैसला करना होगा, तुम मेहरीन से शादी करने के हक में हो या नहीं। इससे ज्यादा मैं इस मामले को और नहीं संभाल सकता क्योंकि हारून को भी अब ऐसा लगता है कि हम उसके साथ डबल गेम कर रहे हैं। जवाब में शामीर कहता है, बाबा आप परेशान ना हो, हारून अंकल से मैं खुद बात कर लूंगा शादी को लेकर। मुझे लगता है इस वक्त मुझे अपनी पार्टी को देखना चाहिए क्योंकि पार्टी से आगे मेरे लिए इस वक्त कोई भी मकसद अहम नहीं है। अगर हारून को बहुत जल्दी है अपनी बेटी की शादी करवाने की तो मैं उनसे कह देता हूँ अपनी बेटी के लिए वो कोई और रिश्ता ढूंढ लें। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हारून फरा को कॉल करता है और फरा से कहता है, आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, मुझे भी तो इस बारे में अंदाजा होना चाहिए। जवाब में फरा कहती है, मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझी, आप मुझे ठीक से बताएं आप कहना क्या चाहते हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। जवाब में हारून फरा से कहता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिर दाऊद और उसके बेटे ने क्या फैसला किया शादी को लेके, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जबान दे चुका हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे ही कहने पर मैंने इन बाप बेटों को पार्टी फंडिंग में कितने पैसे दिए। ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल जाए और बाद में तुम इस बात को लेके बुरा मान जाओ। जवाब में फरा कहती है, हारून आप परेशान मत हो, आप दाऊद को अच्छे से जानते हैं, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से आप नाराज हों उससे। बाकी आपकी मैं ये बात दाऊद अली के कान में पहुंचा दूंगी कि आपकी कॉल आई थी और आप शादी के बारे में पूछ रहे थे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।